अभी हम लोग भागलपुर के पीरपैंती में उसी जगह पे हैं जहां नीलम देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, और यहां अनेकों महिलाएं जो इस गांव के हैं और पुरुष हैं उन लोगों से पूछने के हम लोगों ने कोशिश किया और जानने की कोशिश की कि आखिर घटना क्या है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिर हम लोग पूछते हैं, देखते हैं कैमरा पे कौन कौन से लोग बोलते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार। इसी गाँव के हैं? नहीं सर, हम यहाँ के रिपोर्टर स्थानीय है सनमार्ग से। तो क्या हुआ था यहाँ पे? सर घटना तो उस समय हम लोग क्राइम मीटिंग हो रही थी उसी समय, लेकिन घटना का उस समय जानकारी नहीं मिल पाई। जब हम लोग को अचानक मिला तो हम लोग सारा सर्च करने लगे यहाँ कहाँ पे घटना हुई है। फिर हम लोग मायागंज, उन लोग को रेफर कर दिया गया था, तो हम लोग को न्यूज़ भाग। आपका क्या नाम हुआ? कृष्णदेव यादव। क्या हुआ था यहाँ पे वो रास्ते में? रास्ते में बाजार से आ रही थी, वो अकेले थी, उसी बीच के दौरान में उसको मार दिया गया। बाद में कौन मारा? शकील, मोहम्मद शकील। वो इससे पहले भी ऐसा कुछ किया था क्या? अभी तो नहीं, मतलब अभी फिलहाल देखे उसको, पहले तो नहीं किया था। हम लोगों को ना जानकारी नहीं था वो करता था कि नहीं करता था, लेकिन अभी तो वही किया। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? बस फजा तो खून किया तो उसको भी खून फांसी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार नाम है। क्या हुआ था? फांसी वो वहाँ पे काट दिया था, उसको तो फांसी का सजा देना चाहिए सबसे पहले सर, शकील मियाँ को। यहाँ पे लोग बोलने से डर क्यों रहे? क्योंकि वो एक मुख्य रास्ता है सर। हम लोग को वहाँ पे बाजार जो है ना, वहीं पे यहाँ पे हम लोग के गांव में ना पढ़ाई का व्यवस्था है, स्कूल भी है, स्कूल भी वही पांचवां तक स्कूल है, वो भी गायबे है, जो कि वहाँ स्टार आता है एक दिन। हर चीज के लिए उसी रास्ते से होकर, हर चीज के लिए हम लोग को बाजार ही जाना है। हर चीज के लिए खाना है तो बाजार जाना है, पढ़ना है तो बाहर बाजार जाना है, कोई सामान लाना है तो बाजार जाना है। यहाँ पे पढ़ नहीं पाती है, हमारी बहनें सब हैं, हमारी बहन दसवां में पढ़ती है, अभी बाजार नहीं जा पा रही पढ़ने के, वही सब के कारण नहीं भेज रहे। जिस जगह पे वैसा हुआ था उस जगह पे वही सिर्फ करता था कि और भी लोग हैं जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना करते हैं? फिलहाल में तो वही दिख रहे हैं, लेकिन न जाने कितने वहाँ पे दस हैं, सौ हैं, कितना है वो तो गिन नहीं सकते। लेकिन उस जगह वो जो रास्ता है, उस रास्ता में कोई गलत नज़र से देखता है। हमारी बहनें जाती हैं पढ़ने के लिए वहाँ, सवेरे 6 बजे क्लास लगता है। इससे पहले भी कंप्लेन हो चुका है, पुलिस का आती है और सिर्फ चली जाती है, कुछ होता नहीं। ऐसा सही है, आती है एक बार और फिर एक आध दिन रही, उसके बाद फिर चली गई। तो आपको डर नहीं लग रहा है? आप बोल रहे हैं आपके साथ कुछ होगा तो क्या करेगा? हमको मारेगा, हमको मार दे, उसके बाद और किसी को नहीं ना करेगा। ताकत समझो, हमको मारने के बाद और किसी को नहीं कुछ करे तो हमको मार दे, अभी मार दे। नीलम देवी को भी तो मार दिया, इसके बाद भी तो गाँव के लोग नहीं जग रहे हैं ना, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार। हमारे गाँव के लोग इसलिए डर रहे हैं कि इन लोगों को अपने अपने ही बलि का सबसे ज्यादा प्राण अपना प्यारा है, दूसरे का प्राण का कोई मोह नहीं है। दूसरा मर जाए तो मरेगा, तो फिर तो किसी को टारगेट करेगा ना? नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, वो मर गया तो मर गया, वो मरा तो उसको जाने दो, हमने नहीं मरे हैं, वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? गांव में डर का माहौल, एक भी महिला बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जागरूक होने की जरूरत है। और ये जो बच्चे अभी बोल रहे हैं ये बात की डर गए हैं सारे लोग, जो बोल नहीं पा रहे हैं, कोई जो कैसे एक ही रास्ता है जाने आने का, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि आज आप डरिएगा, कल फिर वही नीलम बनके और फिर वो आकर के काटेगा। वो आखिर नीलम का, आखिर नीलम यादव का गुनाह क्या था, उनका गुनाह क्या था? तो जैसे आज आप चुप रहेंगे और घर में बैठेंगे और इस चीज को अपनी कमजोरी समझेंगे, तो शायद आने वाला कल इससे ज्यादा भयावह होगा। हमारी यही आप लोगों से विनती है कि प्लीज इस चीजों को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाइए और सामना कीजिए कि हम एक हैं, हमारे अंदर ताकत है, हम उससे लड़ सकते हैं। इसको इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर प्रशासन की उदासीनता रहेगी तो स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर डर का माहौल रहेगा, इसको कैसे दूर किया जाए? बिल्कुल, मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि समाज, आज समाज से बढ़कर कोई प्रशासन या कोई नेता नहीं है। किसी का माँ के लाल में इतना दम नहीं कि समाज से बढ़ के डिसीजन कोई ले ले, लेकिन यहाँ हमारा समाज जागरूक नहीं है। यहाँ पे हमारा यही घटना अगर किसी नेता के बेटी के साथ घटित होगा, एक बेटी के साथ हो जाएगा, 10 गांव यूनाइट हो जाइए, अगर 10 गांव यूनाइट हो जाएगी तो ये 4 परिवार छोड़िए, 10 परिवार को लहरा नहीं सकती है। आप बंद करिए, उनको बोलिए अगर ये मार काट रहेगा, प्रशासन से बोलिए हम आक्रामक हो जाएंगे। ये और हम रुकेगा ही नहीं ना डर, आखिर हम अपने डर को कब तक रखेंगे? अगर यही डर से अगर आज हम महिला नहीं आते कि हमें उसी रोड से जाना है, यहाँ आज नहीं पहुंच पाते, तो
शायद आप लोगों की समस्या और ये जो बात है हम लोग जो प्रयास करके वहाँ तक पहुँचाएंगे फिर कैसे होता। तो हम लोगों ने जैसे हिम्मत करके आपके बीच आए उतने दूर से सफर तय करके, वही हिम्मत और ताकत आप अपने मर्द वाली हाथों में लीजिए और सवाल कीजिए कि ये आप यहाँ पे आपका घर है कब तक डर के रहेंगे, आप अपनी बेटी का अपने बेटे का भविष्य कब तक धूमिल करने देंगे। आखिर वो रास्ता नहीं, वो रास्ता को मंजिल बनाइए और टकराइए पत्थर से और पत्थर को चकनाचूर कीजिए और बताइए कि हम से बड़ा और कोई नहीं। सत्य विजय होता है और असत्य हारता है, वो पहचान आप लोग दे सकते हैं और कोई नहीं। हम लोग जब आ रहे थे तो यहाँ आने पे सिनेरियो पता चला, गैस हमारा रास्ते में हो गया। हमने कहा कि ये रास्ता तो ऐसे सन्नाटा है कि यहाँ तो अगर मान लीजिए किसी को कुछ होता है ना, वो रास्ते में जाते जाते नहीं बचेगा। पहले तो वो है, एक भी बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इतना सन्नाटा हम पहले गेस कर लिए। आप देखिएगा तो वीना जी ने वीडियो भी बनाया कि देखिए ये कहाँ घटना हुई है, आधी तो बातें हमें समझ में आ गई। तो क्या हम डर जाएं? प्रशासन को अब आप में से सब बैकआउट कीजिए। हम बोल रहे हैं, पूरा समाज जो आज बोल रहे हैं, शकील को 5 दिन के अंदर या तो फांसी मिले या वोट देना बंद करें, नहीं तो महिला पूरा की टीम इस पे आगे कार्रवाई। महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है उसके बाद भी महिलाओं के अंदर डर और ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए महिला विकास मंच क्या कदम उठाएगी कि लोग जागरूक हों और उनके अंदर से डर खत्म हो जाए और वो अपनी समस्या के लिए खुद ही लड़ें। डर स्वाभाविक है, जब घर का गार्जियन कमजोर होता है ना तो लोग डरते हैं। अगर बिहार सरकार कमजोर हो गई है तो सुरक्षा नहीं कर पा रही। भीष्म पितामह तो वही है ना, जब घर का गार्जियन कमजोर होता है तो घर में बाल बच्चा को तो डर लगता ही है। उसी तरह आज महिला विकास मंच की किसी भी मेंबर को डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी आफत आएगा तो मैं बचा लूंगी अपनी बेटियों को, मैं कर लूंगी। लेकिन जब तक हमारा घर का गार्जियन स्ट्रांग नहीं होगा, हिम्मत वाला नहीं होगा, जब तक ऐसा दो चार को घर पे बुलडोजर नहीं चलवाएगा ये लोग, हमें भी बिहार में जरूरत है बुलडोजर बाबा की। हम भी ढूंढ रहे हैं उनको कि कौन आएंगे और कौन इन लोगों पे बुलडोजर चलाएंगे। तो गलती तो हमारी है ना कि वोट देते समय हम बुलडोजर बाबा को नहीं खोजते हैं। मैंने कब कहा कि गलती हमारी नहीं है? अब गलती ठीक है, गलती होती है मान लिए, तो गलती का पश्चाताप भी तो होता है ना, होगा एक बार ना गलती होती है। सरकार चाहे कोई भी हो, देखो सरकार चाहे कोई भी हो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, आज आप माने ना माने, हमारे बुलडोजर बाबा के सरकार में जनता भी जागरूक हो चुकी है, जबरदस्त आंदोलन करती है रोड पे उतर के। यहाँ तो 3 गो महिला आगे चलेगी, अब 5 गो महिला पीछे ताकने के लिए नहीं खड़ी होगी, तो ये लोग भाग भी जाएंगे। भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं यहाँ के। क्या बोल रहे हैं? बात करने के लिए डर के मारे सर तैयार नहीं है। कब तक डरेंगे? कल आज नीलम देवी के साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा, वो फिर कोई नहीं बोलेगा, फिर उनके साथ होगा, तो कब तक हम डरते रहेंगे? डरते रहता है, कल हमारा ना ये गति हो जाए। तो आप सब लोग इकट्ठा होइए ना और एक साथ लड़िए। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा अपराधी को फांसी होना चाहिए फौरन, और हमें बुलडोजर बाबा भी यहाँ चाहिए। बिल्कुल, इन लोग का इन लोग की मांग जायज है कि फांसी होना चाहिए, और फांसी होगा तभी इन लोग का डर खत्म होगा, और वो जो रास्ता है जहाँ बार बार इस प्रकार की हरकतें होती है वहाँ उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और वहाँ किसी प्रकार के असामाजिक तत्व या कोई भी व्यक्ति जिसका वहाँ कोई लेना देना नहीं है उस जगह से, वो वहाँ खड़े ना हो, और जो रास्ते में लोग आते जाते उन्हें किसी भी प्रकार का न कमेंट, न छेड़छाड़, न किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार उन लोगों के साथ ना किया जाए। और प्रशासन अगर नहीं जगता है तो हम इस गांव के और आसपास के जो 8 गांव हैं, इस गांव को मिला के 9 गांव हैं, सभी लोग जागरूक होइए और आप लोग एक टीम बनाइए, और समाज ही समाज की रक्षा करेगा, कोई दूसरा रक्षा करने नहीं आएगा। बिल्कुल, अरे इस बिहार के जो सरकार है उनका खुद का जब अस्तित्व नहीं है तो जनता का कहां से अस्तित्व बनाएंगे? वो तो खुद 2 पहिया पे खड़े हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो बेटी की सुरक्षा या महिला की सुरक्षा का क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और इस डर के माहौल को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर रखना। जय हिंद।